डगमगाते क्षण में हताशा के घन में, अवरुद्ध राहों में, टूटते डूबते भरोसे में, भरोसे की बने निधि पीएम स्वनिधि। जी हाँ, पथ विक्रेताओं की स्थिति को ये पंक्तियां भली भांति परिभाषित कर रही हैं। कोरोना के मुश्किल दौर में जब हर तरफ से उम्मीद खत्म होती नजर आ रही थी, उनके लिए चारों तरफ हताशा और निराशा थी। पथ विक्रेताओं के व्यापार की रफ्तार थम सी गई थी। इसी बीच उम्मीदों का नया सवेरा लेकर आई पीएम स्वनिधि योजना। योजना ने ऐसा ही सवेरा किया असम के गुवाहाटी के राजेश माली जी के जीवन में। लगभग 40 वर्षों से कपड़े की दुकान लगाने वाले राजेश जी के व्यापार पर कोरोना की मार ने ब्रेक लगा दिया था। आर्थिक तंगी की स्थिति आ गई थी। इन परेशानियों के बीच उन्हें उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी। परिवार के सदस्यों के चेहरों से मुस्कान चली गई थी, लेकिन पीएम स्वनिधि से मिले बिना गारंटी के 10,000 के पहले लोन ने उनकी यह मुस्कान वापस लौटा दी और उनके व्यापार को एक गति दी। फिर तो उनका कारोबार ऐसा चला कि उन्होंने 20,000 का दूसरा लोन लिया व डिजिटल लेन देन भी करने लगे। आइए राजेश जी से ही सुनते हैं उनकी स्वनिधि यात्रा के बारे में। मेरा नाम राजेश माली है, मैं कामरूप मेट्रो जिला पल्टन बाजार में रहता हूँ। मेरा यहाँ कपड़े का दुकान है। 30-40 साल से मैं यहाँ कपड़ा बेच रहा हूँ। लॉकडाउन में बहुत मुसीबत आ गई, बहुत तकलीफ हुआ। हमें पता चला पीएम स्वनिधि लोन के बारे में, तो हमने भी अप्लाई किया तो 2-4 दिन में हमें पूरा 10,000 रुपया मिला। हमें बहुत बहुत राहत मिली उसमें। तो हमने कपड़े खरीदे 10,000 के, फिर बेचना शुरू किया। कपड़ा बेच के फिर वो पैसा भर दिया हमने, फिर हमें 20,000 मिला। बहुत सुविधा हुआ ही मिला। इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था मेरी यानी मीनाक्षी की आवाज में आज का पॉडकास्ट स्वनिधि से नया सवेरा। अगले सप्ताह हम फिर लेकर आएंगे एक नई कहानी। तब तक के लिए नमस्कार।